देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबतच्या डीलनुसार मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी आपल्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला असा दावा अनिल देशमुख यांनी केलाय, तर त्यावर झूठ बोले कौवा काटे असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी पलटवार केलाय। आणि या सगळ्या संदर्भात बातचीत करण्यासाठी स्वतः परमवीर सिंग आपल्या सोबत आहेत आणि आपले प्रतिनिधी गणेश ठाकूर सुद्धा आपल्या सोबत आहेत। गणेश ठाकूर प्रश्न विचारतील। गणेश सर, ज्या प्रकारचे आरोप आपल्यावरती झाले आहेत आणि या आधी देखील ह्या प्रकरणाची चौकशी झालेली आहे, मात्र पुन्हा एकदा अनिल देशमुख हे म्हणतायत की तुमच्या विरुद्ध ज्या कारवाया होणार होत्या, ज्या केसेस अँटिलिया असो किंवा इतर केसेस तुमचं नाव आलं होतं, त्यातनं बचाव म्हणूनच तुम्ही एक डील केली फडणवीसांसोबत आणि त्यामुळे त्यांच्यावरती खोटे आरोप केले, यावर तुमचं म्हणणं काय? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक आईपीएस ऑफिसर के नाते, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर के नाते, मैंने आज तक अपनी पद की, अपनी सर्विस की मर्यादा बना के रखी। मैं कभी पब्लिक तूतू मैमे में इंडल्ज नहीं हुआ अनिल देशमुख साहब के साथ या बाकी किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन आज उन्होंने इतने गंभीर आरोप मेरे ऊपर किए हैं तो मुझे लगा कि अवश्य ही मुझे इसके ऊपर मेरा रिएक्शन देना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पूरे आरोप उनके मनगढ़ंत हैं, उनके जो इमेजिनेशन की फैब्रिकेशन है, फर्टाइल इमेजिनेशन है जो उनकी, उसकी इमेजिनेशन की एक क्रिएशन है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो मैंने आरोप अनिल देशमुख पे किए थे पूरे सच्चे आरोप थे, सब्सटेंशिएट क्लियर करके किए थे, एविडेंस के साथ किए थे, हाई कोर्ट के सामने गया था पूरा केस, हाई कोर्ट ने ऑर्डर की थी इंक्वायरी, उसके बाद केस दाखिल किया था सीबीआई ने और ईडी ने, कस्टडी में गए जहां एविडेंस उनके सामने आई, केसेस चार्जशीट हुए और ट्रायल वो फेस करने वाले हैं। लेकिन जो मेरे ऊपर आज वो आरोप कर रहे हैं बिल्कुल बेसलेस आरोप हैं, तथ्यहीन हैं और पता नहीं किस उनका मानसिक संतुलन खराब हुआ है, किस कारण से इस प्रकार के आरोप मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि इस प्रकार की डिबेट में मैं ज्वाइन हूं, तो मैं इंडल्ज करूं, ये मेरा काम नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं थी। लेकिन मैं अवश्य ही रिमाइंड कराना चाहूंगा जी कि अप्रैल 2022 में, मेरे 21 में संजय पांडे साहब ने पहले मुझे अपने ऑफिस में बुला के मुझे धमकी दी थी, फिर फोन पर धमकी दी थी कि अगर मैं इनके खिलाफ कंप्लेन विड्रॉ नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ झूठे केसेस दाखिल किए जाएंगे और मुझे पूरी सरकार की ताकत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं घबराया नहीं था और ये जो मैंने रिकॉर्डिंग थी फोन की वो सीबीआई को भी दी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मैंने पेश की थी, जहां से स्पष्ट हो जाता था कि मेरे को धमकी दी जा रही थी और मेरे को ये पूरी प्रकार से प्रेशर लाया जा रहा था कि मैं किसी प्रकार से अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लूं। जी, लेकिन एक नया तथ्य मैं जो आपके सामने लाना चाहूंगा, उसी समय, लगभग उसी समय, वो मार्च और अप्रैल 21 के महीने में श्री अनिल देशमुख के पुत्र सलिल देशमुख मुझे स्टारबक्स शॉप एट्रिया मॉल में मुझे मिले थे जी। मेरे से उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि, और मेरे पैर भी पड़ने को तैयार थे कि मैं अपने केसेस विड्रॉ कर लूं, मुझे स्टेट का डीजी बना दिया जाएगा और जो मेरे साथ अब तक अन्याय हुआ उसके बारे में मुझसे देशमुख साहब खुद माफी मांग लेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो मैं अगर कह रहा हूं कि संजय पांडे ने झूठे आरोप किए, ये अनिल देशमुख झूठे आरोप कर रहे हैं और सलिल देशमुख मुझसे मिले, इसके बारे में मैं नार्को टेस्ट करने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये फिर नार्को टेस्ट अनिल देशमुख, संजय पांडे और सलिल देशमुख भी ये इस प्रकार का एक नार्को टेस्ट दें। परमवीर सर, तुम्ही खूप मोठा इथं एक मुद्दा उपस्थित करताय की तुम्ही नार्को टेस्ट करायला तयार आहात, अनिल देशमुखला तुम्ही चॅलेंज करताय, सलिल देशमुख यांना चॅलेंज करताय की तुम्ही जे पुरावे सीबीआयला दिले होते त्यामध्ये पूर्णतः कॉग्निझन्स किंवा त्यांचा रोल एस्टॅब्लिश होत होता आणि म्हणूनच त्यांनी तुमच्यावर दबाव आणला, तर त्यावेळेला तुम्ही काय उत्तर त्यांना दिलं होतं आणि त्यानंतरही तुमच्यावरती दबाव आणला गेला होता का की हे प्रकरण तुम्ही इथे थांबवावं आणि दिलेले पुरावे मागे घ्यावे किंवा तक्रार मागे घेण्यात यावी? देखिए, ना आज तक मैं कभी प्रेशर में कुछ कार्रवाई की है, ना कोई गलत काम कभी प्रेशर में किया है, और मेरा जो स्टैंड था सही था, ट्रुथफुल था और मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहा हूँ। और आपको ये भी एक और जानकारी देना चाहूंगा कि श्री अनिल देशमुख सोनू जलान, रियाज भाटी, इस प्रकार के क्रिमिनल से अपने बंगले के ऊपर मिले थे, जहां संजय पांडे भी मौजूद थे, जहां इन्होंने प्लान किया था कि किस प्रकार से मेरे खिलाफ केसेस दाखिल किए जाएंगे। बाकी क्रिमिनल्स को भी मैं बुला बुलाकर
श्री अनिल देशमुख और श्री संजय पांडे गाइड करते थे किस प्रकार से मेरे खिलाफ केसेस दाखिल करने हैं। ये सब आपको याद फिर दिला देता हूं कि मैंने के रिकॉर्डिंग भी की थी संजय पांडे की, जहां वो मेरे को धमकी दे रहे थे। तो अगर संजय पांडे, अनिल देशमुख और सलील देशमुख नार्को टेस्ट के लिए तैयार है तो मैं साथ ही नार्को टेस्ट देने को तैयार हूं कि जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। लेकिन श्री अनिल देशमुख ने जो मेरे ऊपर बेसलेस और तथ्यहीन आरोप किए हैं उनको मैं बस क्या कह सकता हूं कि मतलब सर एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि जिस प्रकार आप सोनू जलान का नाम ले रहे हैं, क्रिमिनल्स का नाम ले रहे हैं, ये सारे बुकी यानी बुकीज का नेटवर्क का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ या आपको फ्रेम करने की साजिश थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अनिल देशमुख के बंगले पे इन सब की मीटिंग हुई थी। रियाज भाटी ने तो हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन में जो एफिडेविट फाइल किया है उसने अपना तस्वीर भी लगाया अनिल देशमुख के बंगले पर और बताया मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे। और उसके बाद संजय पांडे ने इनको गाइड किया कि किस प्रकार से कंप्लेंट परमवीर सिंह के विरुद्ध करनी है। तो मेरे खिलाफ झूठे केसेस दाखिल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट भी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ये पूरे केसेस एक कंसर्टेड एफर्ट का हिस्सा है, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केसेस स्टेट गवर्नमेंट से निकालकर सीबीआई को दे दिए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। पण जर आता पाहिलं तर सर तुमच्या विरुद्ध बोलताना अनिल देशमुख असंही म्हणतात की तुम्ही जी डील केली होती ती अटकेतून तुमचा बचाव किंवा अटक होऊ नये अँटिलिया केसमध्ये, मनसुख हिरण केसमध्ये, यासाठीच तुम्ही भाजप किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेलात आणि त्यांनी सीबीआय आणि एनआयए कडनं तुम्हाला एका पद्धतीने कव्हर दिलं किंवा मदत केली, प्रोटेक्शन दिलं आणि म्हणून तुम्ही ते आरोप केले होते, त्याबद्दल काय म्हणाल? की पहिले तो इन्व्हेस्टिगेशन स्टेट गवर्नमेंट में एटीएस ने किया जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी थी। बाद में एनआईए ने किया, मैं 2-3 बार एनआईए के सामने भी गया, पूरा इन्वेस्टिगेशन फेस किया। ये जो एलिगेशन है बिल्कुल बेसलेस झूठे एलिगेशन कर रहे हैं और इनकी जानकारी में कुछ है, अगर इनके पास कुछ प्रूफ है तो लाकर दिखा दें, मैं चैलेंज करता हूं। और इनको इसकी अगर बराबर जानकारी है तो आके इसके बारे में और अब बाकी जो इनके कांड है उनके बारे में अभी जो सामने आया वो तो 10% सामने आया है। बाकी ऑफिसर्स जिनको इन्होंने सताया, जिनको कष्ट दिए, जिनसे एक्सटॉर्शन किया, वो तो सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तो अगर है हिम्मत तो मैं कह रहा हूँ अगर वो नार्को टेस्ट के लिए आते हैं तो मैं भी नार्को टेस्ट के लिए साथ में आऊंगा, सलील देशमुख भी आए, संजय पांडे भी आए। पण 10% तुम्ही म्हणताय, पण इतरांबद्दल तुम्ही किंवा इतर प्रकरणांचे खुलासे करणार? आता अनिल देशमुख वारंवार असं म्हणतात की माझ्या विरुद्ध जे आरोप केले गेले होते ते कोर्टात सिद्धच झाले नाहीये, नार्को टेस्ट में आने को तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, मैं कह रहा हूं ना दोनों नार्को टेस्ट इकट्ठे कराते हैं, सलील देशमुख को भी लाइए, संजय पांडे को भी लाइए, इनको भी लाइए, मैं भी साथ में आऊंगा, एक ही दिन करेंगे नार्को टेस्ट। सर एक मुद्दा असा इथे म्हणतात की तुम्ही त्या काळामध्ये देवेंद्र फडणवीस जे विरोधी पक्ष नेते होते त्यांची गुप्त भेट घेत होतात, कुठेतरी भेटलात आणि त्यानंतर सगळ्या डील झाल्या, काही आयपीएस अधिकाऱ्यांचं पण नाव घेतात की त्या पेटीमध्ये काही आयपीएस अधिकारी होते। ये तो सरकार में थे, इनके पास कुछ एविडेंस होगी मेरी मीटिंग के बारे में तो प्रोड्यूस कर दें। मैं कह रहा हूँ ना मैं तो नार्को टेस्ट देने को तैयार हूँ कि अगर मेरी डील थी कि नहीं थी किसी के साथ भी, लेकिन अगर इनके पास कुछ एविडेंस है, सच्चाई है और इनमें कुछ सच्चाई है तो आइए नार्को टेस्ट के लिए मेरे सामने। पण अशा प्रकारचे आरोप होणं याला तुम्ही कसं पुढे काय कायदेशीर कारवाई करणार आहात? मैं अपने लॉयर्स को कंसल्ट करूंगा, उसके बाद आगे कार्रवाई डिसाइड करूंगा। लेकिन इस प्रकार की तू मैमा में कभी मैं इंडल्ज नहीं हुआ, मर्यादा बनाए रखी, लेकिन आज मुझे फोर्सेबली उतरना पड़ा, थोड़ा सा सामने आके बोलना पड़ा। मैं नहीं चाहूंगा कि इस प्रकार की तू मैमे में एलिगेशंस काउंटर इंटेलिजेंस एलिगेशंस में दोबारा इंडल्ज करूं। सर शेवटचा प्रश्न माझा, अचानक अशा प्रकारे आरोप होणं देवेंद्र फडणवीस संदर्भी असो किंवा तुमचा उल्लेख होणं याला तुम्ही कसं पाहता? कारण अनिल देशमुख ऑफ रेकॉर्ड असे म्हणतात की माझ्यावर कारवाई होणार आहे। किस राजनीति क्या राजनीति कर रहे हैं, क्या इसके पीछे उनके कारण है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनका मानसिक संतुलन खराब हुआ है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। एक शायद साइकियाट्रिस्ट इन सवालों का जवाब ज्यादा अच्छा दे पाएगा, तो अच्छा है कि वो साइकियाट्रिक कंसल्टेशन के लिए जाएं और अपना इलाज बराबर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परमबीर सिंह सर, आपण ऐकलं प्रज्ञा, एक त्यांनी स्पष्ट चॅलेंज दिलेला आहे की येऊन त्यांना नार्को टेस्ट करावं आणि पुढे मोठा खुलासा केलेला आहे की या संपूर्ण प्रकरणाचा हा फक्त 10% भाग आहे। अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना
त्यांनी काय काय केलं होतं मी लवकरच समोर आणीन आणि त्यांचा असाही दावा आहे की हे प्रकरण ज्यावेळेस सुरू होतं अनिल देशमुख यांच्या विरुद्ध कारवाई न व्हावी यासाठी सलील देशमुख त्यांना येऊन भेटले माफी मागितली म्हणून याच्यावर आता अनिल देशमुख सलील देशमुख यांचं काय म्हणणं आहे हे पाहणं महत्वाचं असेल. प्रज्ञा निश्चित गणेश धन्यवाद परमवीर सिंग यांच्याशी संवाद साधल्याबद्दल. तर परमवीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांचे सगळे आरोप फेटाळून लावलेले आहेत. आपण नार्को टेस्टला तयार असल्याचं परमवीर सिंग म्हणालेले आहेत आणि त्यासोबतच आता परमवीर सिंग यांनी जे भाष्य केलंय त्या संदर्भात अनिल देशमुख आणि सलील देशमुख नेमकं काय भाष्य करतात, हे आरोप खोडून काढतात का, हे पाहणं महत्वाचं आहे. पण एकूणच या प्रकरणाच्या अनुषंगानं आगामी काळात काही नवे गौप्यस्फोट होऊ शकतात ही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण जसं परमवीर सिंग यांनी सांगितलं की आत्तापर्यंत समोर आलेला भाग या संपूर्ण प्रकरणाचा हा केवळ 10% भाग आहे. यापुढे सुद्धा अनेक गौप्यस्फोट अनेक गोष्टी समोर आपण आणू असं परमवीर सिंग यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आता या सगळ्यावरती अनिल देशमुख नेमकं काय बोलणार याची उत्सुकता आहे. आपण या सगळ्या संदर्भात आपल्या वकिलांचा सल्ला घेऊन पुढची कायदेशीर कारवाई करू असं देखील परमवीर सिंग यांनी सांगितलेलं आहे. अनिल देशमुख यांचं मनस्वास्थ्य सध्या ठीक नाही, त्यांनी मानसोपचार तज्ज्ञांकडे जावं असा सल्लाही परमवीर सिंग यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात या सगळ्या प्रकरणावरून काय नवे गौप्यस्फोट होतात, जी बाजू आत्तापर्यंत समोर आली नव्हती असं परमवीर सिंग म्हणतायत ती बाजू आता यानंतर समोर येते का हे पाहणं महत्वाचं आहे. पण अनिल देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि परमवीर सिंग यांच्यावरती एकत्रित आरोप केलेले आहेत. परमवीर सिंग आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं डील झालेलं होतं आणि त्यानुसारच आपल्यावरती 100 कोटीचा आरोप करण्यात आला असं अनिल देशमुख म्हणाले आणि त्यानंतर आता परमवीर सिंग यांनी माध्यमांसमोर येऊन आपली बाजू मांडलेली आहे. अनिल देशमुख यांचे सगळे आरोप फेटाळले असून आता या प्रकरणातलं सत्य आणखी समोर आणू असं परमवीर सिंग यांनी सांगितलेलं आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.